और बड़ी खबर रामनगर से बता रहे हैं, जहां गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है, साथ ही साथ ढोल नगाड़े बजाकर ग्रामीण मजबूर है खेत में जाने के लिए और ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही साथ भगवंतपुर गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां डर के साए में रहने को लोग मजबूर है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर दहशत में किस तरीके से ग्रामीण जीने को मजबूर है, ढोल नगाड़ों का साथ और ढोल नगाड़ों के सहारे वो अपने काम पर जा रहे हैं, खेत पर जा रहे हैं और गुलदार बनाव किस तरीके से मुसीबत है ग्रामीणों के लिए, इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खौफ का किस तरीके से मंजर गांव में पसरा हुआ है गुलदार को लेकर के, ये तस्वीरें दहशत में किस तरीके से ग्रामीण हैं। एक महीना हो चुका है जब पिछली बरसात होती अच्छी खासी, तब से यहाँ गुलदार और एक जो है वो शेर टाइप का जो मतलब गुलदार से बड़ा होता है उसमें वो देखा जा रहा है लगातार। जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ पर डे वो आता था, बहुत दहाड़ करता था, जिससे कि गांव बस्ती वालों को बहुत भयभीत हैं और हम भी जो है पूरी पूरी रात नहीं सोए बैठी लेकर के 500 आदमी, इधर हमारे कट्टर प्रधान जी हैं, किशन सिंह चौधरी हैं वगैरह वगैरह ने सबने इधर उधर फोन भी किए हैं। सभी क्षेत्रों में जो आबादी वाले क्षेत्रों के जंगल से नजदीक है वहाँ सभी जगह लगभग गुलदार की स्थिति बनी हुई है, बार बार गुलदार आ रहे हैं, जंगल से निकल के आबादी में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है, भगवंतपुर गांव के सूचना मिली थी तो उसके आधार पर सूचना के आधार पर उच्च स्तर को कार्रवाई करने हेतु लिखा गया था, तो कई बार वहाँ पे मौके पर पिंजरा लगा दिया गया और हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है वहाँ। रामनगर से बड़ी खबर बता दें, जहाँ